सोनी टीवी के पॉपुलर शो पेशवा बाजीराव में हमें लगा था कि काशी बाई की मुसीबतें कम हो चुकी हैं। उनके जीवन की एक ही समस्या है कि उनके पति पेशवा बाजीराव उनसे प्यार नहीं करते हैं। वो उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं देते हैं। कभी काम, कभी व्यापार, तो कभी अपनी तलवार को बीच में ले आते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि इस तरह काशी बाई के मन में रत्मा ने थोड़ी सी उम्मीद भरी थी। कुछ देर बाद काशी को लगता है कि उनका स्वप्न सच होने वाला है जब बाजीराव उन्हें छत पर बुलाते हैं। लेकिन बेचारी काशी बाई यहाँ भी उनसे प्यार भरी बातें करने की बजाय बाजीराव उन्हें एक जिम्मेदारी सौंपते हैं कि घर में पैसों की बचत करनी होगी उन्हें। ये सुनते ही बेचारी काशी बाई के सपनों पर पानी फिर जाता है और वो गुस्से में उनसे नाराज हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद बाजीराव को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन यहाँ काशी बाई तो रत्मा के साथ उनके कक्ष में थी। वो रात भर उनसे इतनी बातें करती है कि वो वहीं सो जाती है और बेचारे चिमना जी भी अपने ही कक्ष के बाहर हो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है काशी बाई अपने कक्ष में पहुंचती हैं, जहां उन्हें बाजीराव दिखते हैं। लेकिन जैसे ही काशी बाई उन्हें चादर उड़ाती है, बाजीराव अपने बचाव के लिए अपने खंजर को बाहर निकाल देते हैं। ये देखकर काशी बाई डर जाती है, लेकिन यहां बाजीराव काशी बाई से माफी मांगते हैं। वो उनसे माफी मांगते हैं कि उन्होंने गलती से उनका दिल दुखाया है। काशी बाई को ये सुनकर अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही राव जाने लगते हैं काशी बाई उन्हें रोकने की कोशिश करती है। उसी बीच वो बाजीराव की बाहों में आ जाती है। फाइनली काशी बाई का सपना पूरा होता है और बाजीराव उनसे काफी करीब आ जाते हैं। कहानी में आगे क्या होगा ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है कमेंट कीजिए और टीवी से जुड़ी हुई अन्य चटपटी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टीवी प्राइम टाइम हिंदी।